हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए चलते हैं, आज बनाते हैं मटर पनीर की सब्जी और देखते हैं कैसी बनती है। बहुत दिनों के बाद बनाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये है पनीर, काट लिया है मैंने, और ये प्याज है, मटर इधर है, और ये खड़ा मसाला इसमें और गरम मसाला मिला हुआ है। यहाँ पर है प्याज, धनिया मैंने अभी नहीं काटा है, जो कि बाद में मैं काटूंगा, क्योंकि लास्ट में फ्लेवर बनाने के लिए, फ्लेवर बढ़ाने के लिए धनिया पड़ता है। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने कुकर में डाल दिया है सरसों का शुद्ध तेल, और मैं अभी फ्राई करूंगा ये पनीर इसमें। लेकिन हाँ, पनीर फ्राई करने से पहले इस सरसों के तेल में मैं मिलाऊंगा हल्का सा टर्मरिक यानी हल्दी, ताकि पनीर फूटे ना। तो मिला देते हैं इसमें हल्दी। और मैंने पनीर फ्राई होने के लिए डाल दिया है, तो इसको लगभग 1 मिनट पर फ्राई करते हैं। ये चिपके ना, बस इसका ध्यान रखेंगे। मैंने इसमें हल्दी डाली हुई है, तो इससे चिपकने की कोई संभावना वैसे नहीं है, लेकिन चलाते रहेंगे इसको, और चिपक भी जाएगा तो कौन सा मुझको धोना है। धोना तो जिसको है वो तो और मैंने पनीर फ्राई कर लिया है। अब मैं इस खौलते हुए तेल में डालूंगा ये मसाला और इसको भूनेंगे, और 1 मिनट तक लगभग मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, और ये मैं डाल रहा हूँ अभी टमाटर, ताकि पता चल जाए कि पानी कितना मुझे इसमें छोड़ना है। अभी तो केवल पानी उतना ही छोड़ूंगा ताकि ये नीचे चिपके ना, और अच्छी तरह से प्याज और टमाटर घुल मिल जाए आपस में। और इसमें थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ पानी, और मैंने उस गैस पे उतार कर कुकर को इस गैस पर रख दिया है। ये है बायोगैस, ये भी देख सकते हैं आप लोग, ये एकदम नॉर्मल गैस की तरह जलता है। बस इसका थोड़ा वो बर्नर का छेद हल्का बड़ा होता है उससे, और बाकी काम वही करता है। इस पर रोटियां बनाना नहीं सही रहता, क्योंकि हल्की हल्की वो बत्ती बंद आने लगती है। और बाकी ठीक है, कुकर वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो मेरा मटेरियल बनके तैयार है। अब मैं इसमें मटर और पनीर दोनों डाल दूंगा, और इसमें केवल धनिया और नमक डालना बाकी रहेगा। अभी मैं इसको डालने के बाद, मटर और पनीर डालने के बाद इसमें नमक भी डाल दूंगा, पानी के हिसाब से नमक भी डाल दूंगा, ताकि भूनने की गुंजाइश ना रहे। तो बाद में डालने पर अटपटा सा लगता है और स्वाद भी वो नहीं आ पाता जो पहले डालने पर आता है। देखते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। मशीन है जो बिजली से चलती है, तो पनीर में मैं यही पानी डालूंगा इसमें गर्म करके, ताकि गैस कम खर्च हो, क्योंकि बिजली का बिल तो भाई देना ही है, तो जितना बिजली का फायदा उठा सको तो उतना ही अच्छा है। अब इसमें पानी खौल रहा है, इसकी खासियत ये है कि ये अपने आप पानी एकदम गर्म हो जाता है, तो ये बटन अपने आप ऑफ हो जाती है। अभी आप लोग देखिएगा, ये बटन अपने आप ऑफ हो जाएगी, बंद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ रेड बटन जल रही है, अभी ये बटन अपने आप ऑफ हो जाएगी और पानी एकदम गर्म हो चुका होगा। तो वही पानी में मटर पनीर में डालूंगा, ताकि गैस की खपत कम हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लगभग 1100 रुपये, 1100 से ऊपर भी सिलेंडर हो चुका है।
चलिए देखते हैं कितनी देर बाद इसका बटन ऑफ होता है। और ये बटन देख सकते हैं आप लोग, अपने आप ऑफ हो गई है, इधर को हो गई, पहले उधर को थी। देखिए मैं इधर को अभी दबाऊंगा, इधर को दबाऊंगा तो ये रेड बटन आपको जाने के लिए दिखी है, ये पानी जब खोल जाता है तो अपने आप इधर को हो जाती है, अपने आप हो जाती है। मैंने किया नहीं, आप यकीन मानिए, ना मानिए अगर तो ये आप कंपनी का नाम देख सकते हैं और प्ले स्टोर पर आप इसे जाके देख सकते हैं इसके फंक्शन। तो चलिए इसका पानी मैं डालता हूँ पनीर में, और ये मैंने डाल दिया पानी और अब लगभग 10 मिनट के बाद ये मटर पनीर बनकर तैयार हो जाएगी और इसमें केवल धनिया मिलाना रहेगा, तो बन जाती है तो आपको दिखाता हूँ। और अब मैं काटने जा रहा हूँ धनिया, या धनिया तो देख सकते हैं आप लोग मेरे पिछवाड़े यानी मेरे घर के पिछवाड़े बोई हुई है, तो ये देसी धनिया है तो फ्लेवर अच्छा आएगा, तो मैं इसको काट के रख लेता हूँ ताकि उधर जब पनीर तैयार हो जाए तो उसमें मिला सकूं। और मैंने ये धनिया काट लिया है और इसको खुलने के बाद धनिया डाल दूंगा। और ये भैया हम एक बार आप लोगों का बताए बुला है या देख, और हम जाए थे आटा खाने, ये मैं भी आके अकाउंट फायदा बताओ यहाँ रू रहा है वो आटा खाने पर है, आप ही लोग बताओ का ही सही है, कमेंट में जरूर बताओ। और ये देखिए मैं ले आया हूँ गुनगुना पानी, गुनगुना पानी से आटा सानने से क्या होता है कि रोटियाँ आपकी बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं, तो अभी आप लोग देखिएगा कि किस तरह रोटी मुलायम बनती है मेरी। और दोस्तों मैं बना चुका हूँ मटर पनीर और रोटी भी बना चुका हूँ, वैसे आप लोगों से कहा था मैंने कि सॉफ्ट बनेगी लेकिन इस तरह बनी है कि एक भी रोटी फूली नहीं है, क्योंकि जो फूल जाए वो सॉफ्ट थोड़ी होती है, वो तो कड़क हो जाती है। ठीक तो दोस्तों एंजॉय करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं मैं मटर पनीर बना चुका हूँ, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट फनी ब्लॉग में, तो देखते रहिए एस्पायर एंड मास्टर ब्लॉग्स को दोस्तों। बाय बाय।